गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख घटनाओं पर। तूड़ी से लदा ट्रक खाई में गिरा, दो की मौत तीन जख्मी। कोठीपुरा चौक पर 22 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी। HRTC बस में घुमारवी के युवक से पकड़ा 8.88 ग्राम चिट्टा। स्वारघाट में वन माफिया सक्रिय, उभाई जंगल से काटे खैर के 17 मोछे। बस में कोरोना की टिकट ही नहीं कटने देंगे। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन भाली के समीप 35 मील में तूड़ी से भरा ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान सेबी व शेंटी निवासी कोठा पंजाब के रूप में हुई है। घायलों में लखविंदर सिंह, मिंटू व दलजीत सिंह शामिल हैं, जिनका उपचार नूरपुर अस्पताल में चल रहा है। DSP ज्वाली ओंकार चंद ने बताया, दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं तथा घायलों का उपचार करवाया जा रहा है। पुलिस ने धारा 289, 337 व 304 IPS के तहत केस दर्ज कर लिया है। नौणी के बीच कोठीपुरा चौक में 22 वर्षीय युवक की अर्धनग्न लाश मिलने से बुधवार को सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह किसी स्थानीय व्यक्ति ने कोठीपुरा चौक पर दुकान के आगे खड़े ट्रकों के सामने एक शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। माना जा रहा है कि युवक नजदीकी क्षेत्र में किसी दुकान में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने स्वारघाट चौक पर HRTC बस में एक युवक से 8.88 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। युवक की पहचान सुशील कुमार गांव पट्टा घुमारवी के रूप में हुई है। बस चंडीगढ़ से बिलासपुर जा रही थी, जिसे स्वारघाट में चेकिंग के लिए रोका गया। इसी दौरान सीट नंबर 9 पर बैठा सुशील कुमार घबरा गया और जब संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के धारा 21 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में JEE, नीट, NDA व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। मिनर्वा स्टडी सर्कल के क्रैश कोर्स की कक्षाएं 18, 20, 22 और 24 मार्च 2020 को शुरू होंगी, तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न IIT व NIT में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवी स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जंगलों में हो रहे खैर के अवैध कटान पर वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र स्वारघाट के अंतर्गत UPF जंगल बुभाई से खैर के 17 मोछे बरामद किए गए हैं। हालांकि वन काटुओं का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन विभाग ने पुलिस थाना स्वारघाट में इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ अवैध खार कटान की शिकायत दर्ज करवा दी है। RO स्वारघाट नंदलाल चौधरी ने बताया कि इस संबंध में विभाग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। मेरे ध्यान में आज ही पता चला कि रात अंधेरे में पुआई UPF करामोड़ा बीट स्वर्ण ब्लॉक में 5 पेड़ काटे हुए पाए गए, जिसका माल विभाग ने सुपुर्द कर लिया है और इसकी दरखास्त एप्लीकेशन पुलिस में दे दी गई है। छानबीन जारी है, जैसे ही मुजरिम का पता चलेगा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर परिवहन विभाग काफी सक्रिय हो गया है। इस कड़ी में HRTC डिपो करसोग ने हर बस को सैनिटाइज करने की मुहिम शुरू कर दी है। चरणबद्ध तरीके से सभी बसों को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेम कश्यप ने कहा है कि विभाग के दिशा निर्देशों पर बसों में सफाई तथा सैनिटाइज करने के साथ साथ चालकों परिचालकों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। करसोग डिपो में कुल 53 बसों का बेड़ा है और सभी को वर्कशॉप में सैनिटाइज किया जा रहा है। करसोग यूनिट में
अशोक वर्कशॉप में बसों की सैनिटाइजेशन का कार्य हमारा शुरू हो चुका है, जो कि 10 बजे से हमने स्टार्ट किया है। अभी तक लगभग 10 बसें हमारी सैनिटाइज हो चुकी हैं। बाकी जैसे जैसे रूटीन में गाड़ियाँ आएगी, वैसे वैसे हम गाड़ियों की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।